पढ़ें क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इसके मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे इसका फैक्टर करना है, तो प्लस का तो एक्स आना चाहिए, मतलब प्लस वन आना चाहिए, और इंटू करने पे ये इसका और इसका इंटू करेंगे पहले, तो 6 दून 12 और इंटू करने पे 12 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर कितने होंगे हमारे, 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 4 किया 12, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² प्लस का 4x कर देंगे और माइनस का 3x कर देंगे और -6 = 0। अब यहाँ पे हमने फैक्टर तो कर लिया, देखिए आपको एक और बार समझाता हूँ मैं। यहाँ पे 12 का फैक्टर करना है, तो जोड़ने पे तो हमको जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए हमको 1, और इंटू करने पे 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, 2 2 6 12 गुणनखंड करते हैं इसका फैक्टर, और 2 3 6, 3 1 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 3, तो यहाँ पे हम 4 में से 3 घटाएं तो कितना आएगा, 1, और 4 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये इसीलिए मैंने 4x और -3x, तो ये 4x में से 3x जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1x। तो यहाँ पे ये कर लिया हमने। अब इसका कॉमन लेना है, तो 2x² और 4x में से क्या आ रहा कॉमन, 2x। अब यहाँ से 2x निकल गया तो कितना बचा, x, और यहाँ पे 2x निकला तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 2 दूनी 4, और ये x प्लस 2 ऐसे ही हमको पीछे लिख देना है, ऐसा का ऐसा x + 2 = 0। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और ये 3 है तो 3 लिख देंगे ऐसा ही। अब देखना आप, 1 2 ये 2 1, x + 2 और x + 2 कॉमन आ जाएगा, एक बार लिख देंगे इसको, और जो बाहर है उसको लिख लेंगे एक बार, तो ये 2x और -3 = 0। अब हमें मानना है, माना सपोज x + 2 = 0, और इसके बराबर में भी हमको 0 मानना है, तो 2x - 3 = 0। अब ये प्लस का 2 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 2x माइनस का 3 इधर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x अब ये 2 इंटू में है इसके, तो इधर आएगा बराबर के, तो 3 के अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा मतलब। तो हमारे मूल निकल के आ गया 2, अतः समीकरण के 2 मूल -2 और 3/2 हैं।